गुड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थर्ड चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप सभी को डे एंड चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम ये सभी आपको मेंशन करना है. देन आप हेडिंग लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच. हमें टच के डिफरेंट टाइप्स को बताना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टच. कितने टाइप्स के होते हैं टच. दो टाइप के, गुड टच एंड बैड टच. हाउ डू वी फील. वी फील विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन. हम कैसे फील करते हैं. हम हमारी स्किन की हेल्प से फील करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट गुड टच एंड बैड टच. आपको डिफरेंट बताना है गुड टच एंड बैड टच में. गुड टच, टच इन विच वी फील नाइस एंड कंफर्टेबल, इट इज कॉल्ड अ गुड टच. ऐसा टच जिसमें हमें कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है उसे हम गुड टच कहते हैं. बैड टच, टच इन विच वी फील हर्ट एंड अनकंफर्टेबल, इट इज कॉल्ड बैड टच. ऐसा टच जिसमें हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और हर्ट होता है उसे हम बैड टच कहते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, हु आर डिफरेंटली अबाउट पीपल. डिफरेंटली अबाउट पीपल कौन होते हैं. व्हाट इज अवर ड्यूटी टू टुवर्ड्स देम. हमारी क्या ड्यूटी होती है उनके लिए. पीपल हु हैव एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कॉल्ड डिफरेंटली अबाउट पीपल. ऐसे लोग जिनके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, या तो वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, या बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उन्हें हम डिफरेंटली अबाउट पीपल कहते हैं. वी शुड हेल्प टू ऑल सच पीपल हु नीड अवर हेल्प. हमें उन सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत होती है. ये सभी वर्क आपको EVS की नोटबुक